7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर जमीन, आसमान और समंदर से हमला किया था, तो उस वक्त इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमास ने इजराइल पर हमला करके नर्क का दरवाजा खोल दिया है, जिसका अंजाम हमास को भुगतना ही होगा। और तब इजराइल ने कसम खाई थी कि वो हमास को मिटाकर ही मानेगा, और यही वजह है कि आज पूरा गाजा एक वीरान खंडहर में तब्दील हो गया है। लेकिन इस सब के बीच हमास को बचाने के लिए लेबनान का हिजबुल्ला भी उत्तरी इजराइल पर लगातार बमबारी कर रहा था। लेकिन आईडीएफ सब्र का घूंट पीकर सिर्फ उसके हमलों का जवाब दे रही थी। लेकिन अब इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण हमले किए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, जिसकी वजह से इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग का ऐलान हो चुका है और इजरायली सेना और हिजबुल्ला एक दूसरे पर भीषण पलटवार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने आईडीएफ को दहला कर रख दिया है। दरअसल हिजबुल्ला ने 26 सितंबर 2024 को उत्तरी इजराइल पर दो बहुत बड़े हमले किए। हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर दो हमलों में एक ही बार में 130 रॉकेट फायर कर दिए। हिजबुल्ला के मुताबिक 26 सितंबर की दोपहर को उसने किरियत मेट्सकिन पर रॉकेटों का पहला जत्था फायर किया। इसके बाद उत्तरी हाइफा में राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए। हिजबुल्ला के मुताबिक उसके बाद किरियत शमोना सेटलमेंट में उसने फलक 2 टाइप रॉकेटों का जबरदस्त हमला किया। और जब हिजबुल्ला के इन हमलों का जवाब देने के लिए इजरायली फाइटर जेट्स मैदान में उतरे, तो हिजबुल्ला के लड़ाकों ने उन्हें भी खदेड़ दिया। हिजबुल्ला के मुताबिक भूमध्य सागर की तरफ से आदलॉन की तरफ आईडीएफ के 2 जेट्स आ रहे थे, तभी हिजबुल्ला ने उनके ऊपर भी मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। और इस हमले के बाद आईडीएफ की नॉर्दर्न कमांड के दारो बेस और अमियाद बेस पर भी हिजबुल्ला ने रॉकेटों का जत्था फायर किया। आपको बता दें कि यहां पर आईडीएफ की 91 डिवीजन की रिजर्व ब्रिगेड ठहरी हुई है। वहीं आयहूद में हिजबुल्ला ने करीब 50 रॉकेट और गोला बारूद फायर किया है। यहां तक कि शिमशन बेस पर भी हिजबुल्ला ने कई घातक ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्ला के मुताबिक ये ड्रोन हमला आईडीएफ के अधिकारियों और जवानों की पोजीशन पर हुआ। हिजबुल्ला का ये भी दावा है कि उसने सफात और किरियत अटा पर भी 80 और 50 रॉकेट दागे हैं। इसके बाद मिशहर बेस पर रॉकेटों का जत्था फायर किया गया। इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि इजरायली सेना ने हिजबुल्ला को एक बार फिर एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण उपनगरीय इलाके में आईडीएफ ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिसमें हिजबुल्ला की ड्रोन फोर्स के मुखिया मोहम्मद सरूर मारा गया है। आईडीएफ का कहना है कि सरूर हिजबुल्ला की ड्रोन, क्रूज और एरियल डिफेंस का जिम्मा संभालता था और उसकी अगुवाई में इजराइल पर कई हवाई हमले हुए थे। वहीं सरूर की बात करें तो उसने 1980 के दशक में हिजबुल्ला को ज्वाइन किया था और वो राडवान फोर्स की अजीज यूनिट में था। यहां तक कि वो यमन के हुती के साथ मिलकर भी काम करता था।